प्रोफेशनल पीपल आर वर्किंग देयर. और माशाल्लाह पाकिस्तान के लिए मैंने अपनी आंखों से कुछ होते हुए देखा, जो सिटीजंस आर्काइव ऑफ पाकिस्तान की के जो प्रोजेक्ट्स हैं माशाल्लाह दे आर वेरी वंडरफुल. और मुझे ऐसा महसूस हुआ कि वाकई ही ये लोग काम कर रहे हैं, स्पेशली जो स्टडी से लेकर एजुकेशन से लेकर इनका जो जो प्रोजेक्ट्स हैं वो मुझे बहुत पसंद आए. एंड आई वुड लाइक टू कांग्रेट्स सिटीजंस आर्काइव ऑफ पाकिस्तान. थैंक यू शेरी. Thank you so much. You've called. Very kind of you. Heritage culture पे भी आप लोग काम कर रहे हैं, उस पर बात करेंगे. क्योंकि मेरी हमेशा से एक ये रही है कि हमने अपने सोसाइटी में से आर्ट, कल्चर, म्यूज़िक और जो हमारा हेरिटेज है वो हमने उसको कदरें खो दी. और हम ये भी कहते हैं कि जी हम 1947 से हमारी हिस्ट्री है, हालांकि वी वर द मोस्ट एंशियंट सिविलाइजेशन. मुंजदारो यहाँ है, हरप्पा यहाँ है, टैक्सिला यहाँ है, तो हमारी हिस्ट्री इतनी नई नहीं है. तो वो कल्चर से बात करें, लेकिन उस पर एक छोटा सा फल लेते हैं, हमारे साथ रहिए. हमारे साथ आने का बहुत शुक्रिया. अमीन साहब, कल्चर हेरिटेज उस पर क्या हो रहा है ये बताइए, और आप ज़ाती तौर पर पाकिस्तान के मायनाइस तरीन फोटोग्राफर्स में से भी हैं, उस पर ही बताइए क्या एक्टिविटी हो रही है. देखें, जैसे आप पहले भी जिक्र कर रहे थे कि हमारे यहाँ ऑब्वियसली इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं पाकिस्तान में. हम फोकस करते हैं हेल्थ पे करते हैं, विच ऑब्वियसली इज अ प्रायोरिटी. अच्छा, एक मैच सर को तकरा में कोई इशू नहीं है. हमारी कुछ गंदी आदतें जरूर हैं. चलें, आदतें कहें. इशू पाकिस्तान, इशू तो उन ममालिक में होते हैं यार जिनके पास खाना ना हो, जमीन ना हो, पानी ना हो, पहाड़ ना हो, सहरा ना हो, दरिया समंदर ना हो. पाकिस्तान में बता दूं इशू कोई नहीं है, मेरा ज़ाती मौके भी है. चलें, वो ठीक है, खाना बहुत है, कुछ लोगों को मिल नहीं रहा, बस ये कह लें. तो इट्स अ बैड हैबिट्स एंड प्रॉब्लम. इशू तो भाई हम बेहतर होने में हमें कोई चीज रोक नहीं सकती. एग्री प्लीज. सर, माय पॉइंट बीइंग कि हमारे वो जो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हैं, ऑब्वियसली वो जेन्युइन इश्यूज हैं हमारे यहाँ. इतनी ज्यादा फैसिलिटीज नहीं है, तो जो कल्चरल बेस्ड चीज़ें हैं वो साइडलाइन हो जाती हैं. आप पहले भी एक बार आपने जिक्र किया था, और बहुत ज़रूरी है कि हमारा माजी तो बहुत रिच रहा है आर्ट एंड कल्चर में. ठीक है ना, पार्टीशन से पहले देख लें आप, सालों कहानियां खत्म नहीं होती, किताबें खत्म नहीं होती. रीजनल हिस्ट्री देखो यार, बहुत बहुत अच्छी रही है, बहुत रिच रही है, और बहुत लोगों को इंस्पायर किया. सिर्फ रीजन में नहीं किया, रीजन के बाहर भी इंस्पायर किया. अनफॉर्चुनेटली उस पर फोकस इतना रहा नहीं है, और वो आस्ते आस्ते दबती चली गई, सिस्टम से निकल गया. तो हमारी जो नई जनरेशन है, जो कि उनको इतना ज्यादा पता ही नहीं है हमारे पास के रीसेंट पास के बारे में. हाँ बिल्कुल बेटी, आप सवाल करना चाहेंगी, बोलिए. यस, एक्चुअली मेरा सवाल, आपने जो पहले बोला था कि आप जो पार्टीशन की फुटेज वगैरह कलेक्ट कर रहे हैं उससे रिलेटेड है. आपको नहीं लगता, नो डिसरिस्पेक्ट इंटेंडेड, बट आपको नहीं लगता हमारी नेशन का वन ऑफ द प्रॉब्लम्स ही ये है कि हम हिस्ट्री को कुछ ज़्यादा ही टाइटली लेके पकड़ रहे हैं, और हम फ्यूचर के बारे में नहीं सोच रहे? पता है, वेरी गुड क्वेश्चन, बट इट्स हाउ यू सी इट. मेरे हिसाब से हिस्ट्री के साथ चक्कर ये है कि आप अपने माजी को जितना अच्छा पहचानेंगे उतना बेहतर आपका फ्यूचर होगा. दैट्स हाउ आई लुक एट इट, कि आपने जो गलतियां पहले की हैं आपने वो गलतियां दोबारा नहीं करनी. और हिस्ट्री हैज़ टू बी रिकॉर्डेड, उसको आप अबैंडन नहीं कर सकते, आप छोड़ नहीं सकते, और वो बड़ा जरूरी है. हमारी तो हिस्ट्री, अगर हम एटलीस्ट पार्टीशन से लें, तो हम तो खाली 65 साल की बात कर रहे हैं, इतनी कोई ज्यादा लंबी हिस्ट्री नहीं है. हम पार्टीशन से पहले इतना भी जा नहीं रहे फिलहाल, लेकिन मेरे हिसाब से हिस्ट्री को समझना आगे बढ़ने के लिए बहुत जरूरी है. और जिसके लिए आपने फरमाया सोफिया, उसकी बताइए, वो जो आप लोग जो एनिमेशन से कर रहे हैं जी, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्रूशल एक फैक्टर है, उसके बारे में बताइए मुझे. ये भी जो आपका जो आउटरीच प्रोग्राम है एंड एक एक्सचेंज का भी है, आई मीन लाइक उस पे कॉम्प्लिकेट, पहले से इसका ही बताइए कि जो एनिमेशन का कर रहे हैं आप लोग. आउटरीच टूर का जो प्रोग्राम है, हम गवर्नमेंट स्कूल्स में सिखाते हैं विद वीडियो ऑडियो, एंड वी क्रिएट दीज क्लिप्स टू टीच हिस्ट्री इन अ मोर इनोवेटिव इंटरेस्टिंग वे, एंड वी थिंक दिस इज द वे हिस्ट्री शुड बी टॉट, यू नो. सो दिस इज वन थिंग वी थिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज दीज चिल्ड्रन आर नॉट अवेयर ऑफ वेयर दे केम फ्रॉम, ऑफ देयर एंसेस्टर्स. फॉर एग्जाम्पल, अ लॉट ऑफ यंग गर्ल्स आर नॉट अवेयर ऑफ द रोल दैट वुमेन प्लेड इन द पार्टीशन मूवमेंट. वो हमारी तारीख से बिल्कुल निकल गया, उस समय समझते बेचारे कि तो बड़ी पसमानदा कौम है, और हमारी औरतों ने तो बड़ा बड़ी मेहनत की है और हम भूल गए. एब्सोल्युटली, दे हैव नो आईडिया. देन यू नो ऑल ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूशंस पेड इन द पार्टीशन बाई डिफरेंट कम्युनिटीज, सो मेनी कम्युनिटीज आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड,
And when you look into that and everyone knows that everyone did play a part, it really helps the children at schools, you know, have an understanding that all the different communities had a very important role in building Pakistan. I mean, इसमें सिर्फ partition की बात नहीं है, हमारी history जो है ना, अगर मैं सिर्फ पाकिस्तान का जो खित्ता आज पाकिस्तान है, उसकी तारीख लूँ तो there's a grandeur in our history, बड़ी grand history है हमारी, मतलब मोहम्मद बिन कासिम, टीपू सुल्तान, वो तमाम चीज़ें हमारी तारीख में हैं जो कि आहिस्ता आहिस्ता हमने फारिग कर मारी. तो रिकॉर्डिंग एंड आप सवाल करना चाह रहे हैं, रिकॉग्नाइजिंग दैट हिस्ट्री, कुछ जी फरमाइए. मेरे क्वेश्चन था कि एक मतलब एक तरफ तो एक अच्छी चीज़ है कि हम अपनी हिस्ट्री को प्रिजर्व करें, तो दूसरी तरफ हमारे जो बेसिकली जो मुल्क की जो इकॉनमी है वो बेस करती देहाती इलाकों में, मेरे ख्याल से जो 60-70% बनता है, तो कुछ उनके लिए भी मेरे ख्याल से होना चाहिए, क्योंकि मेरे ख्याल से ये चीज़ें उनको इतनी मैटर नहीं करती होंगी. मतलब उनके थोड़े बहुत मसले थोड़े दूसरे हैं, जैसे मेरे ख्याल से कुछ अच्छा उनको इनकरेज. अच्छा सवाल है, इसमें मैं भी आपको जवाब देना चाहूँगा. अमीन, आप कुछ कहना चाहेंगे? भाई मसले तो हमें कह दिया गया कि मसले हमारे मुल्क में कोई नहीं है, लेकिन ये कि मैंने जबरदस्ती नहीं किया, आप बनाना चाहते हैं मसला बना लीजिए, मैं लड़ता रहूंगा आपसे. हम लड़ने नहीं आए, हमने आगे बढ़ना है. तो आपकी जो बात है उस पर मैं ऐड करूंगा, और जो स्कूल्स में हम जाके जो एनिमेशन कर रहे हैं और बच्चों को एनिमेशन के ऑडियो वीडियो के थ्रू जो सिखाना चाह रहे हैं और जो बताना चाह रहे हैं, आई थिंक वो बड़ा ज़रूरी है कि हम टेक्नोलॉजी को यूज़ करें. और आई कम्प्लीटली एग्री विथ यू कि हमारी जो मेजॉरिटी है पॉपुलेशन, दे कैन नॉट रीड और राइट, बट दे कैन सी एंड दे ऑल वॉचिंग टेलीविजन राइट नाउ. ठीक है, उनको समझ में आ रहा है हम क्या कह रहे हैं, हम क्या बात कर रहे हैं. वो शायद किताब नहीं पढ़ रहे, लेकिन तो अगर हम उसकी ऑडियो वीडियो प्रेजेंटेशन इस तरह से कर सकें कि वो लोग देख सकें जिधर भी बैठे हुए हैं और सीख सकें पाकिस्तान के बारे में, तो उसमें मेरे हिसाब से कोई हर्ज नहीं है. मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा बेटा, वो आपने सही कहा, उन्होंने कहा कि मसले की बात नहीं, इशू नहीं करनी. वो जो सेगमेंट जिसकी आपने बात की, उनकी प्रॉब्लम्स सॉल्व कौन करेगा? वो ये सॉल्व करेंगे, लेकिन जब तक इनके अंदर ये बेहतर पाकिस्तान की समझ नहीं आएगी कि हाँ हम बेहतर कर सकते हैं, तो फिर तो अगर आपको सिर्फ ये समझ में आए और ये समझाया जाए कि यहाँ बड़े बुरे हालात हैं, बड़े इश्यूज हैं, किसी तरह ओ लेवल्स करो और भागो यहाँ से. कुछ शैतानों ने निकाला पाकिस्तान से बच के भाग, क्या है पाकिस्तान से जिंदा भाग, ये जो वाहियात जुमले हैं इन्होंने तो कमर तोड़ी है आपकी. अगर आपको ये समझ में आ जाए कि भाई ये मेरा मुल्क है और यहाँ सब पोटेंशियल है, तो ये सब आप संभाल लोगे. और यही कोशिश है कि आपके अंदर वो एनर्जी, वो जील जो है वो दोबारा जिंदा होनी है, फिर मसला कोई नहीं है. जी बेटा, कुछ कहना चाह रहे हैं? सबसे पहले तो एक्सीलेंट इनिशिएटिव, क्योंकि आजकल पत्थर हटाओ तो एक फैशन फोटोग्राफर निकलता है, वेडिंग फोटोग्राफर निकलता है, तो आप फोटोग्राफी से कोई चीज़ प्रोडक्टिव कर रहे हैं. मेरा सवाल यह है कि आप फोटोग्राफी को एज ए मीडियम यूज़ कर रहे हैं टू प्रिजर्व हमारा हेरिटेज, लेकिन आई पर्सनली ट्रेवल्ड कराची से ही बाहर निकले, हम लाहौर तक नहीं जाएं तो मकली है, भंबोर है, ऐसी जगहें हैं हमारे यहाँ पे. वो लोग वहाँ पे यही कंप्लेन करते हैं कि गवर्नमेंट हमें सपोर्ट नहीं करी. गवर्नमेंट शुड रियलाइज कि हाँ, इस चीज़ को प्रिजर्व, सिर्फ तस्वीरों तक तो प्रिजर्व करना नहीं हुआ ना. ठीक है, लेकिन आई थिंक आपका काम तो तस्वीरों से कहीं आगे है. नहीं, हमारा काम है, लेकिन एक और चीज़ मैं क्लियर करूँ कि हम लोग देखें, हर बंदा वही वाली बात है कि हर शख्स कंप्लेन तो करता है, और मैंने पहले भी उसमें प्रोमो में भी कहा था, हमें आई थिंक फोकस होना बड़ा ज़रूरी है कि आप एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें, उसको समझें और उसको रिजॉल्व करें. अगर हर बंदा हर चीज़ करने जाएगा तो ना इधर करेगा ना उधर करेगा, और हमारे बहुत सारे अगेन वही इट्स समथिंग टू डू विद द पास्ट, हम देखते हैं कि कहाँ पर प्रॉब्लम्स आई हैं, तो उस वो सेम गलतियां हमने नहीं करनी. हमने फोकस करना है कुछ एरियाज पे. हम सिर्फ फोटोग्राफी रिलेटेड नहीं है, जैसे कह रहे हैं हमारी